हेलो, माय नेम इज डॉक्टर कोहेली भट्टाचार्य और आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी मेरे फादर ने एक मुझे व्हाट्सएप वीडियो भेजा। उस वीडियो में एक आई एक्सरसाइज दिखाया गया था। उसमें वो लेडी बताती है कि अगर आप कैंडल मोमबत्ती की आग को फ्लेम को देखेंगे तो फिर उससे आपकी नजर अच्छी हो जाएगी। She spoke about pixelation, कैसे हमारा आईज कैमरा जैसा होता है और कैसे बस ये सिंपल एक्सरसाइज से नजर अच्छी हो जाएगी, चश्मों की जरूरत नहीं होगी एंड नंबर नहीं बढ़ेगा। तो फिर माय फादर आस्क्ड मी कि क्या ये सच है। नाउ द प्रॉब्लम इज आई डोंट ऑल्सो वॉन्ट टू से नहीं ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊ। वीडियो बनाने के पहले मैंने इस वीडियो पे थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे पता चला कि ये जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। इनफैक्ट फेसबुक के एक पेज पे तो मैंने ये वीडियो को 4 मिलियन व्यूज देखे, दैट मींस 40 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा है। इन्होंने बताया है कि कैसी आंखें कैमरा जैसे पिक्सल्स देखती है, हाई डेफिनेशन देखती है और कैसे हम एक मोमबत्ती कैंडल को देख के अपनी आईसाइट पिक्सेलेशन बढ़ा सकते हैं। सो आइए बात करते हैं इसके साइंस के बिहाइंड। द फर्स्ट थिंग इज क्या कैंडल की फ्लेम को देख के हमारे आईज का पिक्सेलेशन जो कहते हैं हम जो कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्ट्रास्ट है डेफिनेशन और विजन इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस। यू विल बी लाइक व्हाट, इससे वी कैन इम्प्रूव आवर विजन। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। व्हेन यू लुक एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि कैंडल का फ्लेम यहाँ पे है, व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट या फिर फोकस करते हैं हम अपनी आंखों को किसी भी एक चीज के ऊपर, चाहे वो कैंडल फ्लेम हो या पेंसिल का या पेन का निब हो, तो फिर उससे हमारे ब्रेन में एसिटाइल कोलीन बढ़ता है। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एसिटाइल कोलीन इन द ब्रेन, उससे फोकस बढ़ता है एंड सो दैट फोकस हेल्प्स यू टू मैग्निफाई थिंग्स, मेक थिंग्स मोर क्लियर, क्योंकि आप उस चीज को फोकस कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योर आईज। आईज की वजह से, बस आईज की वजह से ये इंप्रूवमेंट इन आईसाइट नहीं हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ योर फोकस विच इज अ फंक्शन ऑफ योर ब्रेन। लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर। अगर आप किसी की आंखों में झांक रहे हैं कि यू आर लुकिंग इन टू समवन्स आईज एंड यू आर सो फोकस्ड एंड सो लॉस्ट इन देयर आईज, आपको आजू बाजू का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इनफैक्ट दो स्मॉल आईज विल टेक अप योर entire visual field. In fact, those eyes will start to look huge and they will take up every bit of your attention. That is a concept or that is a function of your attention. आपने किसी की आंखों में इतना देखा कि आप उनमें डूब गए। वो आप डूब भी सकते क्योंकि the eyes become so big and so clear for you. So that is the same thing when you look at a candle flame, you can then become very in tune with that distance. जो डिस्टेंस है आपका वो कैंडल से, और फिर आप कैंडल हटा के अगर आप बुक पकड़ोगे उसी डिस्टेंस पे जहां पे आपने कैंडल पकड़ा था, यू विल सी एवरीथिंग मच मोर क्लियरली, मच मोर मैग्निफाइड एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ द फोकस। व्हेन कैन यू यूज दिस? पीपल कैन यूज दिस व्हेन दे आर टारगेट प्रैक्टिस, मतलब अगर आप किसी टारगेट को देख रहे हैं एंड यू आर इधर शूटिंग और आर्चरी में, you will see that they are focused on that point and then what we are seeing as a small target, they can magnify that and all of a sudden that target is unmissable because they have focused their energy in that place, which we say wherever your focus goes, energy flows, and that is a real possibility. All right, so you can do that. Where else can you use this? Before studies, before exams, before you sit down to study, if you keep a candle flame, look at it very carefully and then you start studying, you will be able to increase your acetylcholine levels in your brain, increase your ability to be attentive and focus on what you are studying. That is really good for anyone who is going for exams, for students, for any of that. Wherever you want to focus on an activity. Another thing is
से यू वॉन्ट टू यू आर एन आर्चर और यू हैव टू शूट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, फिर आप कैंडल फ्लेम यहां पकड़ के नहीं कर सकते हैं. The attention or that focus is for distance. It is not for the flame or for the pen. It can be any object, but it is for the distance. अगर आपको focus करना है target at 3 meters पे, then you have to put that candle flame at target of 3 meters. If you want to focus at on a book which you want to read at this distance, you will keep the flame right here. If you want to focus at a person who is sitting across you on the table, you will put the candle flame at that distance. So I hope that is clear. To aapko samajh mein aa gaya. So those are the good points of that video. Wow. To fir aaj se hum wo exercise karenge. Definitely, bilkul aapko karna bhi chahiye exercise. It's good for the eyes. It's good for the brain. But kya ye exercise karne se mere chashme ka number kam ho jayega? Nahi. In fact, अगर आप एक कैंडल को कंटिन्यूअसली इस डिस्टेंस पे क्लोज डिस्टेंस पे देखेंगे, यू विल हैव अ ट्रांजिएंट इंक्रीज, चश्मे का नंबर में इंक्रीज होगा. बट दैट चश्मे का नंबर का इंक्रीज इज ट्रांजिएंट. दैट डिस्टेंस में ट्रांजिएंट इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि योर लेंस इन साइड योर आई इज नाउ फोकसिंग फॉर नियर एंड इट विल बिकम मोर राउंड. तो ऐसे में व्हेन वी चेक ऑन द मशीन, हमारे केराटोमीटर पे व्हेन वी चेक द नंबर्स कैन बी एज हाई एज -5 -6 -14 तक कई बार नंबर आता है हमें कि यार इतना हाई कैसे नंबर हो गया. बट द थिंग इज दैट्स अ ट्रांजिएंट नंबर, दैट इज अ सूडो मायोपिया, दैट इज मतलब दैट्स नॉट अ रियल नंबर. एंड हाउ डू यू रिड्यूस दैट नंबर? बाय पुटिंग साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप्स. वी पुट द ड्रॉप्स बिफोर वी चेक द फाइनल नंबर and immediately वो number चला जाता है. That is the same thing which happens when a child sees the computer or sees a laptop all day. अब देखो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई candle flame देखेंगे तो हमारा focus बढ़ेगा. बच्चे को candle flame देखने की जरूरत नहीं है. बच्चा अगर laptop देख रहा है या उसका tab देख रहा है या फिर mobile देख रहा है, the mobile is as interesting to them as a candle flame या फिर आपके लिए किसी और की आंखें. किसी और की आंखों में आप डूब जाते हैं या कैंडल फ्लेम में डूब जाते हैं या फिर लैपटॉप की मतलब फोन के जो भी कार्टून देख रहे हैं उसमें वो डूब जाते हैं या गेम खेल रहे हैं उसमें वो डूब जाते हैं. सो दे आर ऑलरेडी गेटिंग दैट फोकस्ड अटेंशन ऑलरेडी. सो दे आर ऑलरेडी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट हाई डेफिनेशन पिक्सलेशन एंड क्लैरिटी ऑफ विजन बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर फोन. ठीक है, जस्ट बिकॉज कैंडल फ्लेम है अभी आप बोल रहे हो वाह कैंडल फ्लेम है तो हम वो एक्सरसाइज करेंगे. अगर वो मोबाइल को भी देखेंगे ना तो दैट इज लाइक अ टाइप ऑफ आई एक्सरसाइज ओनली फॉर फोकस, देखा जाए तो, क्योंकि इट्स ऑल मैटर ऑफ डिस्टेंस एंड किस चीज पे फोकस कर रहे. बट दिस रियली कॉन्सेंट्रेटेड थिंग ऑन क्लोज विजन से ट्रांसिएंट मायोपिया होता है या सूडो मायोपिया होता है विच वी कैन एक्चुअली मेजर ऑन द कैरेक्टोमीटर. तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत थी उनकी कि अगर आप कैंडल फ्लेम को देखोगे तो चश्मे का नंबर कम हो जाएगा. बिकॉज मोस्टली व्हेन पीपल से चश्मे का नंबर दे मीन माइनस नंबर, मायोपिया नंबर. अगर किसी का नंबर -3 है तो पहली बार तो उनको पास का बहुत क्लियर दिखाई देता है और अगर वो कैंडल फ्लेम पे और फोकस कर रहे दे मे ऑल्सो स्टिम्युलेट मोर मायोपिया. बट दैट्स ट्रांजिएंट, ऐसा नहीं है कि उससे बहुत ज्यादा खराब होगा बट कुछ अच्छा भी नहीं होगा. द नेक्स्ट थिंग इज क्या रोज करने से ये एक्सरसाइज मेरा नंबर घट सकता है? कम टाइम भी करोगे तो भी नंबर कम नहीं होगा. अगर आप रोज करोगे तो भी नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, especially in myopia, minus numbers. क्या plus number में कमी हो सकती है अगर वो बहुत concentrate करे near चीज को? Now उसमें थोड़ा you know there might be some improvement transiently. It could be कि अगर उनका plus number है और pass देख के minus होगा तो plus minus cancel हो जाएगा. लेकिन अब देखिए अबव 40 जो लोग होते हैं उनको होता है प्लस नंबर, मतलब होता है रीडिंग ग्लासेस नंबर. ठीक है, तो रीडिंग ग्लासेस नंबर वालों को थ्योरेटिकली अगर समझा जाए तो अगर वो कैंडल फ्लेम को देखेंगे और वो हटा के अगर बुक रखेंगे तो थोड़ी देर के लिए उनको क्लियर विजन दिखाई देना चाहिए, क्लैरिटी आएगी उनको क्योंकि मैग्निफाई हो जाएगा सब कुछ, थोड़ा फोकस में आएगा सब कुछ.
तो बट दैट इज अगेन ट्रांजिएंट। जितना वो लोग ज्यादा रीडिंग करेंगे या जितना नियर वर्क ज्यादा करेंगे, धीरे धीरे वो एसिटाइलकोलाइन ब्रेन का लेवल कम होता जाएगा, धीरे धीरे वो यू नो मैग्निफिकेशन जो आपको फोकस की वजह से मिल रहा है वो चला जाएगा। सो इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन बिल्ड ओवर टाइम। अगर आप 40 के बाद अगर आप रोज कैंडल फ्लेम देख रहे हैं, एंड बेशक अगर आपने 10 साल तक किया है और उसके बाद आप आके मुझे बताओगे कि देखो 50 की उम्र में भी मुझे नियर विजन के ग्लासेस की जरूरत नहीं है, प्लस टू रीडिंग ग्लासेस की जरूरत नहीं है, तो फिर आई विल एक्सेप्ट इट। आई विल एक्सेप्ट कि यस यू हैव डन अ प्रॉपर रिसर्च, यू हैव ट्राइड इट ऑन योरसेल्फ एंड अभी आपको रीडिंग मतलब रीडिंग ग्लासेस की जरूरत नहीं है, बिकॉज थियोरेटिकली इट माइट वर्क। सो देखिए बहुत ही लेड वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहली बात तो ये एक्सरसाइज से हाँ फोकस बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है, पिक्सेलेशन बढ़ता है, यू कैन मैग्निफाई थिंग्स ट्रांजिएंटली फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू डू शॉर्ट अमाउंट ऑफ रियली फोकस्ड वर्क लाइक शूटिंग एन एरो, शूटिंग अ बुलेट, डूइंग सम काइंड ऑफ स्टडीज और रिसर्च वर्क रियली फास्ट, यू वांट टू गो थ्रू सम पेपर्स और गो थ्रू योर टैक्सेस एंड ऑल, उसमें यू कैन यूज दिस। लॉन्ग टर्म के लिए मायोपिया माइनस नंबर्स में तो सीइंग अ क्लोज फोन और सीइंग अ क्लोज कैंडल दे डोंट होल्ड एनी वैल्यू मच, स्पेशली कि नंबर घटाने में तो कोई वैल्यू नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज प्लस नंबर्स, जो बूढ़े लोग हैं, जो 40 के अबव है, 50 के अबव है, अब 50 के ऊपर यू हैव रीडिंग क्लासेस और एंड यू स्टार्ट टू सी द स्कैंडल फ्लेम, क्या उससे प्लस नंबर कम होगा क्या, प्लस नंबर की जरूरत नहीं होगी क्या, रीडिंग क्लासेस की जरूरत नहीं होगी क्या? नाउ इसमें थोड़ा और रिसर्च किया जा सकता है। सो दिस इज माई लेड एक्सप्लेनेशन फॉर कैंडल फ्लेम से नजर बेटर होता है कि नहीं, विजन इंप्रूव होता है कि नहीं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।